मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो बेटा लास्ट क्लास में अपन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर ये टॉपिक डिस्कस किए थे. ओके, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टाइम पीरियड, इक्वेशन और न्यूमेरिकल्स लिए थे बेटा इस पर. ठीक है. सो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कंसेप्ट टू नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है, दैट इज क्या बेटा यहां नल पॉइंट और यू कैन राइट न्यूट्रल पॉइंट. नल पॉइंट, सो ऑलरेडी नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बेटा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सप्लेन किया था. यह नल पॉइंट का डेफिनेशन द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ नल पॉइंट. और नल पॉइंट के लिए इक्वेशन भी डिराइव किए थे बेटा, वहां एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू अपॉन क्यू वन प्लस वन फॉर लाइक चार्जेस फ्रॉम क्यू वन चार्ज. याद कीजिए, अनलाइक चार्ज है तो फिर क्या लिखना चाहिए, एक्स इज इक्वल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू टू बाई क्यू वन माइनस वन. और ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में प्लस कब आना चाहिए, लाइक चार्जेस प्लस इंटू प्लस, अनलाइक चार्जेस प्लस इंटू माइनस माइनस, वहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए. ग्रेविटेशन में भी नल पॉइंट अपन फाइंड आउट किए थे बेटा. अब यहाँ नल पॉइंट का कंसेप्ट, अब ये नल पॉइंट के पहले यहाँ बी लेना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और वहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मीन्स द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट. द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज जीरो, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट. अब यहाँ नल पॉइंट के लिए मैं और एक ऑलरेडी ये कंप्लीट किए थे अपन टॉपिक, वो टॉपिक थोड़ा रिवाइज करने वाला हूँ. द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, ये यूज़ करने वाला, इसलिए तो दो मिनट के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा. देखिए एज ए नोट, तो ऑलरेडी यू नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट. कम ऑन, क्या है बेटा यहाँ, यह मैग्नेट ठीक है, इट इज साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल. तो ये क्या होगा बेटा, एक्सियल लाइन, द लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट अंदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. ओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पी पॉइंट, लेट इट बी आई एम टेकिंग आर डिस्टेंस, आर ले लीजिए, एक्स ले लो, नो प्रॉब्लम. तो क्या होगा बेटा इस पॉइंट पर, बी एक्सियल इक्वल टू इक्वेशन बता दो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई हाँ 2m upon r cube, yoga b axial. An important point is related to this, ye n north pole hai to beta ye b direction, from the north pole magnetic force lines are start, or south to north it is nothing but magnetic moment. Dekho yahan m aur b dono same direction mein dikhiye, ye b bar from the north pole magnetic force lines are start and direction of magnetic force line nothing but b bar, और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ क्या है एम बार. तो दोनों कैसे बेटा, सेम डायरेक्शन. एक पॉइंट याद रखिए, ऑन द एक्सियल लाइन एम एंड बी आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. एक पॉइंट याद रखिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने ये. ओके, सो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं. दैट नाउ सेकंड, इक्वेटोरियल लाइन पर अपन क्या लिए थे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन इट इज द मैग्नेट सेंटर साउथ पोल नॉर्थ पोल, हियर इट इज पी पॉइंट. तो क्या होना, इट इज साउथ पोल मीन्स योर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर एंटर्स नॉर्थ पोल स्टार्ट, बराबर. ये होगा एक फील्ड, इट इज वन फील्ड, लेट इट बी बी वन, इट इज बी टू, तो ये होगा 90 डिग्री, तो रिजल्ट एंड नथिंग बट डायगोनल. तो ये क्या होना चाहिए, बी व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, और ये होगा एम बार. आप देखो यहाँ ये आर डिस्टेंस पर ले रहा हूँ, पी पॉइंट एटी आर डिस्टेंस. तो B इक्वेटोरियल इक्वल टू फार्मूला म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब, और मैं लिखा था बेटा वहाँ बी ए इक्वल टू ट्वाइस दी बी ई,
टुगेदर कॉमन ले लीजिए, यस यू कैन राइट। ऑलरेडी ये डिस्कस किए थे अपन, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए एम बार एंड बी बार आर अपोजिट डायरेक्शन। ये एम बार दैट माइग्रेटरी मूवमेंट, ओके, और ये बी बार अपोजिट डायरेक्शन, ये दो पॉइंट याद रखिए, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट मैं ये यहाँ यूज करने वाला हूँ, क्लियर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द केस ऑफ एक्सियल लाइन एम बी आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो ध्यान से सुनो बेटा, इक्वेटोरियल लाइन केस में क्या होना चाहिए, एम और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, क्लियर। राइट, नाउ कम टू द पॉइंट, नल पॉइंट, थोड़ा केयरफुली देखो बेटा, डेप्थ है कॉन्सेप्ट। सो नल पॉइंट मीन्स रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो हियर दिस इज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट ऑफ द अर्थ, ओके, ऑफ द अर्थ, ठीक है। जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये डायरेक्शन ऑलरेडी क्या है बेटा, ये एक्सप्लेन किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, साउथ टू नॉर्थ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू द अर्थ, अर्थ की बात मैं बात कर रहा हूँ, बराबर, राइट, ड्यू टू द अर्थ रिमेंबर, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल बी डायरेक्शन, व्हाई, बिकॉज इनसाइड द अर्थ द मैग्नेट इज व्हाट अलाइंस व्हाट हियर, एक्चुअली नॉर्थ से अपन डायरेक्शन लेते हैं बेटा क्या, बी, इनसाइड द अर्थ इट विल अलाइन एज ए व्हाट, इट इज साउथ नॉर्थ अपोजिट टू, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट मैं ऐसे सस्पेंड कर रहा हूँ, ऐसे सस्पेंड कर रहा हूँ, और पता है बेटा आपको अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, ह्यूज मैग्नेट सस्पेंड कर रहा हूँ। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किया था, द पॉइंट विच इज पॉइंटिंग टूअर्ड द नॉर्थ, अपन क्या लिए थे बेटा, इस डायरेक्ट जियोग्राफिक, एक्चुअली मैग्नेट नहीं है, जियोग्राफिक मीन्स दिस वन जियोग्राफिक, राइट। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, अपने एक्सप्लेन किए थे ये एक्चुअली, बट द मैग्नेट द अर्थ मैग्नेट इज व्हाट इज अलाइन अपोजिट टू दिस वन, इनसाइड दिस वन, ये नॉर्थ है तो फिर ये साउथ होना चाहिए। देखो ये नॉर्थ ले रहा हूँ, ये दो ट्रिप नॉर्थ ले रहा हूँ और ये साउथ ले रहा हूँ, ये सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये अर्थ मैग्नेट है, जब भी चांस है फिर ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट होने के लिए, अट्रैक्ट होने की जब भी चांस आ रहा है ना, ये भी नॉर्थ है तो फिर रिपल हो जाता है ये, ओके, दिस इज द अलाइनमेंट एक्चुअली। ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक में सेपरेट पढ़ाने वाला हूँ आपको, ओके, जस्ट याद रखिए जब तक कि ये सस्पेंडेड मैग्नेट और ये है अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इज लाइक दिस, ये नॉर्थ साउथ है तो फिर ये साउथ, ये नॉर्थ होना चाहिए, अर्थ मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये तो जियोग्राफी के अपन जो इंडिकेट किए थे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन बेटा मैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ये कॉन्सेप्ट है उसमें लेने वाला हूँ। जस्ट याद रखिए यहाँ कि बी एच बोलो तो या बी एच की मीनिंग, बी एच मीन्स इट इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर बी एच इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजेंटल क्या है, वर्टिकल क्या है, ओके, आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके, जस्ट यहाँ याद रखो कि बी एच की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है ड्यू टू द अर्थ, जस्ट ये याद रखो, ओके, वो सेपरेट टॉपिक है, फिर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यहाँ नल पॉइंट के लिए दो केसेस में पढ़ाने वाला हूँ, दो केसेस, फर्स्ट वन इज फर्स्ट केस व्हेन व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द अर्थ नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ जियोग्राफिक अर्थ। देखो एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट साउथ पोल इज पॉइंटिंग टूअर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ रिमेंबर जियोग्राफिक ओके नॉर्थ। तो देखिए मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये मैग्नेट
केयरफुली देखो बेटा, या नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसके बारे में टेंशन मत ले लो, जस्ट आप याद रखो कि साउथ टू नॉर्थ, डिटेल इन्फॉर्मेशन फिर देंगे आपको। देखिए ये मैग्नेट है बेटा, ये मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, ये नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द व्हाट हियर अर्थ, जियोग्राफिक अर्थ, ये साउथ पोल ले रहा हूँ, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऐसे प्लेस किया मैग्नेट। जब नल पॉइंट पोजिशन क्या होना चाहिए, नल पॉइंट पोजीशन, मुझे नल पॉइंट लोकेट करना है बेटा, नल पॉइंट लोकेट करना है। तो कंडीशन नल पॉइंट के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मस्ट बी जीरो, रिमेंबर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जीरो होना चाहिए। तो जीरो के लिए, रिजल्टेंट जीरो के लिए, इफ वन फोर्स इज वन डायरेक्शन अनदर फोर्स शुड बी अनदर अपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली रिजल्टेंट जीरो। ये फाइव न्यूटन एक्ट हो रहा है तो बेटा फाइव न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, जब भी चांस है रिजल्टेंट जीरो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, समझाए कि नहीं। ये फाइव, ये फाइव, ये प्लेस लेते अपन ये माइनस, देन ओनली जीरो, क्लियर। अब एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में फाइव न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फाइव न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, तो इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। याद रखिए रिजल्टेंट जीरो के लिए कंडीशन, दो रहने दीजिए, तीन रहने दीजिए बेटा, रिज द फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू इन अपोजिट डायरेक्शन, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्लियर। सपोज दो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे, रिमेनिंग टू फोर्स शुड बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना इंपॉर्टेंट, वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर डैश एफ एन समझ लो, ये टोटल ऐड करें तो आंसर जीरो होना चाहिए, बस एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस डैट डैश एफ एन इज इक्वल जीरो, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल जीरो, दैट इज कॉल्ड व्हाट हियर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन आल्सो, इक्विलिब्रियम कंडीशन आल्सो, क्लियर, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो यहां मुझे रिजल्टेंट बी जीरो चाहिए, तो कॉन्सेप्ट बी इज ऑलरेडी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक्ट हो रही है, तो बी ड्यू टू दी, बी ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दी मैग्नेट शुड बी एक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली जीरो। तो देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बी एच की डायरेक्शन पता है आपको, अपवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे ये बार मैग्नेट से जो प्रोड्यूस होने वाले बेटा बी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, बराबर। तो अपोजिट डायरेक्शन में कब एक्ट होना बेटा, देखिए मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं पॉइंट लिया, यहाँ होने वाला है समझ लो जीरो, देखेंगे वेरीफाई करेंगे अपन, तो ये होगा बेटा, लाइन जॉइन कर दो, लाइन जॉइन कीजिए, तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट का एक्सियल लाइन पर है, दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में सर क्या होना चाहिए, देखो इसलिए पढ़ाया था मैं, एक्सियल लाइन पर एम और बी दोनों कैसे होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो ये एम के डायरेक्शन क्या है बेटा, ये टी एम डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, तो बी भी कैसे होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, बी भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, बराबर दोनों सेम डायरेक्शन। अब ये बी अलोंग द डायरेक्शन, ये भी बी सेम डायरेक्शन, जीरो चांस है क्या, नहीं है चांस, समझा कि नहीं, ओके चांस नहीं है, तो मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों कैंसिल किया, आया कि नहीं समझ में, ये एम बार ये बी बार दोनों सेम डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए चांस ही नहीं है बेटा, तो मैंने आइडिया चेंज किया, चलो ले लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन मीन्स क्या होना चाहिए, द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट सेंटर, ये देखो ये ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर ले रहा हूँ, इस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट में एन ले रहा हूँ, एन सपोज, तो ये तो ऑलरेडी मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ये तो होगी बी एच के डायरेक्शन, ये तो बी एच के डायरेक्शन, हाँ तो इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ देखिए एम बार बी बार कैसे होना चाहिए, अपोजिट, ये एम बार और ये क्या होना चाहिए, बी बार, अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, क्लियर राइट। अब यहाँ देखो बेटा ये एम बार है, ये एम बार है, तो बी बार किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, ये एम बार है ना, बी बार कैसे होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दिस इज द व्हाट बी बार, इट इज नथिंग बट व्हाट इक्वेटोरियल, मैं मैग्नेटिक इक्वेटोरियल ले रहा हूँ, ये दिस इज नथिंग बट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो अब यहाँ देखो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए चांस है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट पर नहीं हुआ समझो, थोड़ा देखो कैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बी की वैल्यू वहाँ कम होना चाहिए, कम हो रही है, ओके सो एट पर्टिकुलर पॉइंट
If the magnitude of these two are equal and direction already opposite, the resultant क्या होना चाहिए? Zero. And that point at which the resultant magnetic field induction is zero, that is called null point. ये हो गया null point. Clear? Okay? Right. देखो मैं यहाँ cancel किया था बेटा क्योंकि same direction में था यार. ठीक है. Now, so null point is formed on either direction of the magnet. तो इस direction में भी मैं ले रहा हूँ. इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ सेम डिस्टेंस पर सेम डिस्टेंस ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर है समझो डिस्टेंस सेंटर से मेजर करना चाहिए यहाँ से नहीं याद रखिए तो इस पॉइंट पर मैं हर एक ले रहा हूँ ये N1 ले लीजिए ये N2 ले रहा हूँ इस पॉइंट N2 ले रहा हूँ ये तो BH ये क्या है बेटा बी इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल लिख दो ठीक है इक्वेटोरियल ओके सपोज यहाँ से बेटा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं डी ले रहा हूँ सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू दी नल पॉइंट डिस्टेंस तो ये भी क्या होना चाहिए इट इज ऑल्सो डी क्लियर तो यहाँ आपको दो पॉइंट याद रखना है बेटा फर्स्ट पॉइंट दैट इज आई एम टेकिंग हियर ए नल पॉइंट इस कंडीशन में इस केस के लिए नल पॉइंट इज फॉर्म्ड और लोकेटेड फॉर्म एट और ऑन दी यू कैन राइट हियर ऑन दी क्या बेटा कौन सी लेनी है इक्वेटोरियल ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन एक पॉइंट याद रखना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए चांस है बेटा व्हेन द बार मैग्नेट ऑफ द साउथ ऑफ द मैग्नेट और नॉर्थ ऑफ द बार मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ सेम है समझो नॉर्थ सेम ही डायरेक्शन जब नल पॉइंट कहाँ फॉर्म होना चाहिए ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फॉर्म होना चाहिए याद रखिए तो इस पर एक क्वेश्चन भी चांस है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी चांस है सपोज गिवेन फाइंड दी वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये अरेंजमेंट दिया समझो तो फार्मूला क्या लिखना है बेटा कम ऑन फार्मूला क्या लिखना चाहिए बी एच नथिंग बट बी दोनों सेम है एट नल पॉइंट तो सेम है तो बी इक्वेटोरियल इक्वेशन पता है आपको ऑलरेडी तो क्या होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन क्या लिखना चाहिए वहाँ आर है तो यहाँ डी ले लीजिए तो क्या लिखना है यहाँ डी क्यूब यहाँ डी याद रखो बेटा डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू द पॉइंट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द टू नल पॉइंट्स विल बी गिवन ये भी चांस है फिर याद रखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू नल पॉइंट्स इज 30 सेंटीमीटर तो डी स्मॉल डी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए याद रखिए कंफ्यूज करने के लिए ये दो नल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दे देता हो 30 सेंटीमीटर है तो हाफ कर दो 15 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए ओके डायरेक्ट डिस्टेंस दिया तो वही वैल्यू ले लीजिए बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट यहाँ डी क्या लिया बेटा सेंटर टू दी नल पॉइंट डिस्टेंस रिमेंबर दिस पॉइंट ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके राइट सो नाउ नेक्स्ट वन इज सेकंड केस क्या बेटा सेकंड केस सेकंड वन क्या होना चाहिए व्हेन कम ऑन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाँ कम ऑन पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्या होना चाहिए बेटा नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ और जियोग्राफिक अर्थ अपोजिट ठीक है जब क्या होना चाहिए नल पॉइंट ये फाइंड आउट करना है या नॉर्थ टू नॉर्थ वहाँ साउथ टू नॉर्थ ये याद रखिए मीन्स ये होगा अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल ये क्या बेटा ईस्ट वेस्ट ठीक है बार मैग्नेट कैसे प्लेस करना चाहिए कम ऑन बता दीजिए ऐसे प्लेस कर रहा हूँ बार मैग्नेट यहाँ क्या निकलना चाहिए साउथ पोल देखो कंडीशन अपोजिट यहाँ नॉर्थ बराबर देखो चेंजेस क्या है ये नॉर्थ है नॉर्थ है सेम है सेम डायरेक्शन यहाँ साउथ है ये नॉर्थ है अपोजिट होगा जब नल पॉइंट क्या होना चाहिए ये तो पता है आपको ये तो पता है बेटा ये तो डायरेक्शन क्या है बीएच के डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ये अब मुझे बताओ यम बार की डायरेक्शन बता दीजिए यम बार इस क्या होना चाहिए अपोजिट दैट इज साउथ टू नॉर्थ पोल यम बार
सपोज मान लीजिए मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ, नल पॉइंट ले लीजिए, नल पॉइंट सपोज ये सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ इक्वेटोरियल पर ले लिया, तो ये एम बार, ये तो बी एच है, ये क्या बेटा ये बी एच है, तो बी बार की डायरेक्शन बता दो फिर, इक्वेटोरियल लाइन पर है ये पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो बी बार के डायरेक्शन क्या होना चाहिए बता दो फिर, कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अपोजिट होना चाहिए, तो बी भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो रिजल्टेड चांस है क्या जीरो के लिए, चांस ही नहीं है, है क्या चांस नहीं है, ओके समझाएगी नहीं, तो बेटा मैं ये पॉइंट कैंसिल कर रहा हूँ, ये पॉइंट कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है राइट, तो कंफर्म हुआ फिर कहाँ होना चाहिए नल पॉइंट, यस नल पॉइंट इज शुड बी ऑन द एक्सियल लाइन ऑन आइदर डायरेक्शन, आइदर डायरेक्शन क्यों बेटा, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है बेटा, ये बी एच, ये कौन सी डायरेक्शन है बी एच, और ये पॉइंट कहाँ लोकेट करें अपन, कहाँ लोकेट किए ये एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर ही है, तो एक्सियल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ये एम बार कैसे देखो डाउनवर्ड है कि नहीं, तो बी बार भी कैसे होना चाहिए डाउनवर्ड, अब देखो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए चांस है बेटा, ये बी एच ये बी बार अपोजिट है, दैट इज वाई द रिजल्टेंट विल बी जीरो एट दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट, तो यहां भी देखिए ये तो बी एच है, अपवर्ड डायरेक्शन बी एच, बी एच, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम बार है, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बी बार, दैट इज वाट हियर एक्सियल, क्या होना चाहिए एक्सियल, समझा कि नहीं, देखो अपोजिट यहां भी अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, तो रिजल्टेंट विल बी जीरो, और ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से नल पॉइंट, ये नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूं डी, तो ये भी क्या होना बेटा, ये भी डी होना चाहिए, नल पॉइंट का डिस्टेंस, नल पॉइंट से डिस्टेंस डी होना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहां एक याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, फर्स्ट पॉइंट कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट नल पॉइंट, नल पॉइंट इज फॉर्म्ड और लोकेटेड एट और ऑन दी, कहाँ बेटा कहाँ लोकेट हो रहा है, देखो ऑन दी एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, बस एक्सियल लाइन पर लोकेट हो रहा है, ठीक है इट्स नाउ, सो सेकंड वन इज सेकंड, तो बी एच इज इक्वल टू बी एक्सियल, दैट इक्वल टू एक्सियल के लिए फार्मूला म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यूब हो गया बस, सो दिस आर द नल पॉइंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट, अब यहां भी देखो दो क्वेश्चन है बेटा, व्हेन द बार मैग्नेट साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड द ओके जियोग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ, देन द नल पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द एक्सियल लाइन, याद रखो यहाँ दो कंडीशन में एक कंडीशन याद रखो, स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, फर्स्ट कंडीशन याद रखो, नॉर्थ नॉर्थ है तो सिंपल, नॉर्थ नॉर्थ है तो नल पॉइंट इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, याद रखो, सेकंड याद रखने की जरूरत नहीं है, अपोजिट है तो एक्सियल, तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल, फर्स्ट याद रखो, सेकंड याद रखने की जरूरत नहीं है, बराबर, नॉर्थ नॉर्थ सेम है तो नल पॉइंट इक्वेटोरियल पर फॉर्म होना चाहिए, बराबर, एंड सेकंड विल बी अपोजिट है तो फिर एक्सियल लाइन, रिमेंबर वन बी वन, दो दो याद रखे तो कंफ्यूज होते बेटा, एक ही याद रखो ये, उसको अपोजिट किया कि सेकंड कंडीशन, क्लियर, और यहाँ भी न्यूमेरिकल चांस है फिर, फाइंड द बी एच वैल्यू एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, वही फार्मूला, अब यहाँ फार्मूला ये यूज करना चाहिए, साउथ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड द नॉर्थ पोल, म्यू नॉट अपॉन फोर बाय टू एम अपॉन डी क्यूब, रिमेंबर, क्लियर, ओके याद रखिए, गॉट इट, और बेटा यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉल पॉइंट इज ट्वाइस डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू द नल पॉइंट इज डी, ये याद रखो, ओके क्लियर, राइट ऑफ लिख दीजिए, राइट, सो बेटा ये नल पॉइंट पर एक कॉन्सेप्ट लेके एक न्यूमेरिकल लेके मैं समझाने वाला हूँ बेटा, ठीक है, सो देखिए ध्यान से क्वेश्चन, दैट इज आई एम राइटिंग योर क्वेश्चन, देखो हियर स्टार्टिंग मैं डायग्राम ड्रा करके समझाने वाला हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन इन द फॉर्म, राइट, सो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये बेटा नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड साउथ एंड इट इज व्हाट हियर ईस्ट एंड हियर इट इज वेस्ट, ठीक है, ये कंडीशन है, सो
एट दिस पॉइंट व्हेन द क्वेश्चन विल बी गिवन व्हेन द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द अर्थ देन नल पॉइंट इज लोकेटेड नल पॉइंट इज लोकेटेड ठीक है राइट यहाँ लिख दियो क्या क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जहाँ आप कन्फ्यूज हो रही है ये मैग्नेट क्वेश्चन फॉर्म में लिख दो ए मैग्नेट इज ओके नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ देन नल पॉइंट इज लोकेटेड कुछ मेंशन नहीं किया कहाँ है आपको पता होना चाहिए वो लोकेटेड ओके राइट इफ मैग्नेट इज रोटेट थ्रू 90 degree देन फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ये होगा बेटा क्वेश्चन ओके देखो ध्यान से देखिए स्टार्टिंग ये सिचुएशन है फिर मैं क्या कर रहा हूँ ये मैग्नेट ऐसा जो मैग्नेट है 90 डिग्री रोटेट कर दो ये होगा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री रोटेट करना बोले तो क्या बेटा ये 90 डिग्री होगा तब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए एट दैट नल पॉइंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द नल पॉइंट क्या होना चाहिए ओके सपोज ये कंडीशन के लिए पता है बेटा नल पॉइंट कहाँ होना चाहिए बता दो इस कंडीशन के लिए नल पॉइंट कहाँ होना चाहिए दोनों सेम है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ठीक है कहाँ होना चाहिए सपोज मैं ले रहा हूँ बेटा एक आर डिस्टेंस पर ये ले लीजिए एन नल पॉइंट ले रहा हूँ बराबर ओके अर्लियर अपन एक्सप्लेन किए थे सो ये बेटा डायरेक्शन क्या ये बी एच तो ये क्या होना चाहिए अपोजिट ना क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है साउथ टू नॉर्थ एम बार तो इक्वेटोरियल तो अपोजिट होना चाहिए ये बी एक्स इक्वेटोरियल अपोजिट है तो नल पॉइंट इज फॉर्म तो इस यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ इस कंडीशन में कैन राइट बी एच इज इक्वल टू बी दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड ये फर्स्ट केस सेकंड केस में क्या किया बेटा मैग्नेट को रोटेट किए 90 डिग्री से कम ऑन ये वही डायग्राम नॉर्थ पोल साउथ पोल ईस्ट वेस्ट अब ये मैग्नेट कैसे होना चाहिए बता दो मुझे 90 डिग्री रोटेट होने से फिर ऐसे होना चाहिए सो इट विल बी लाइक दिस बराबर इट विल बी लाइक दिस जब रोटेट किया मैंने ये साउथ पोल नॉर्थ पोल फिर ये जो नल पॉइंट है बेटा ये नल पॉइंट मैं ये नल पॉइंट एन वन ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये एन है ये नॉर्थ पोल है कन्फ्यूज होते बोल के मैं एन वन ले रहा हूँ ठीक है एन वन तो बेटा ये जो पॉइंट है एन वन अब मुझे बताओ ये एन वन कहाँ लाई कर रहा है देखो ऑन इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पर ये बराबर अब ये एक्सियल लाइन पर है बराबर तो मुझे यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट सर ये तो ऑलरेडी पता है आपको ये क्या ये बी एच तो एक्सियल लाइन है तो फिर क्या होना चाहिए बेटा बी ये तो डायरेक्शन ऑफ एम बार और एम बार के डायरेक्शन में ही होना चाहिए बी बार की डायरेक्शन तो ये हो गया बी बार दैट इज नथिंग बट बी व्हाट हियर एक्सियल ये बी एच अब देखो कैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए इट इज नथिंग बट डायगोनल दिस इज द रिजल्टेंट डायगोनल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यू नो रिजल्टेंट पता है फॉर्मूला बेटा रिजल्टेंट है ना ये पी वेक्टर और ये हाँ क्यू वेक्टर तो रिजल्टेंट ये 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या लिखे थे अपन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर याद है ना प्लस 2PQ cos theta पर थीटा इक्वल टू 90 cos 90 इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस ये वेक्टर का कांसेप्ट है ये देखो वेक्टर चैप्टर इसीलिए काम आता बेटा वेक्टर से क्वेश्चन आते नहीं वेक्टर इसीलिए काम आता देखो हर एक चैप्टर में अपन यूज करते हो कांसेप्ट दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ वेक्टर्स बस सो ये होगा रिजल्टेंट अब मुझे बताओ बेटा इस यहाँ से रिजल्टेंट क्या होना चाहिए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए देयरफॉर बी इक्वल टू कम ऑन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए हाँ
बी एच स्क्वायर बराबर, बट बी एच इज इक्वल टू कैन आई राइट हियर बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड एंड बी ए इक्वल टू भी पता है आपको ट्वाइस बी ए, याद करो रिलेशन है ना, तो सब छूट कर दो फिर बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर टू बी स्क्वायर क्या बना बेटा फोर बी ई स्क्वायर प्लस ये बी ई स्क्वायर, समझा कि नहीं राइट right. तो बी इक्वल टू क्या होना बेटा ये रूट फाइव कैन आई राइट बी डायरेक्टली, बट बी इक्वल टू इक्वेशन पता है आपको इक्वेटोरियल लाइन पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर क्यूब, मैंने आर लिया तो आर ले लीजिए डी है तो डी ले लो डिस्टेंस, तो दैट इज बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई रूट फाइव एम अपॉन आर क्यूब, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखो इंटरेस्टिंग है बेटा क्वेश्चन, ओके क्लियर। फर्स्ट ये कंडीशन के लिए दोनों इक्वल ले लिया, जब 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो ये हो गया रिजल्टेंट राइट, रिजल्टेंट तो ये होना चाहिए क्लियर, ओके राइट राइट। और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, स्मॉल क्वेश्चन है वहां कंप्लीट कर देता हूं क्वेश्चन, देखो बेटा और एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस बार ही राइट। सो यहां ले रहा हूं, ये तो बताया बेटा ये आपने बहुत बार एक्सप्लेन किया था मेरे रिजल्टेंट वेक्टर का कांसेप्ट, इसलिए वेक्टर थोड़ा अच्छे से कर लीजिए फाउंडेशन के लिए राइट। सो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू जस्ट मैं डायग्राम ड्रा करके क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो मैग्नेट है बेटा, दो मैग्नेट है आइडेंटिकल मैग्नेट्स, मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल है, दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल है ओके बराबर। क्वेश्चन नंबर हियर इट इज साउथ पोल नॉर्थ पोल यम बार, ऐसे प्लेस कर रहा हूँ कि दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और एक मैग्नेट ऐसे प्लेस कर दो, दोनों कैसे बेटा परपेंडिकुलर टू इच अदर है कि नहीं परपेंडिकुलर, देखो बराबर ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये अरेंजमेंट है बेटा, ये अरेंजमेंट है क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूं देखिए ये अरेंजमेंट है, तो मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड बी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर फाइंड आउट करना है मुझे, मिड पॉइंट पर फाइंड आउट करना, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है ठीक है बराबर। और ये दे दिए बेटा ये सेंटर ओ, ये सेंटर ओ, सो ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ट्वाइस डी इज गिवन, दैट विल बी गिवन ट्वाइस डी दे दिए, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैं नहीं रहा हूँ ये क्वेश्चन में दे दिए ट्वाइस, तो मुझे इस मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कम ऑन क्या होना चाहिए आंसर। ये पॉइंट मैं पी ले रहा हूँ, पॉइंट पी ले लीजिए बराबर। अब मुझे बताओ मान लीजिए वन ये सेकंड मैग्नेट ड्यू टू द फर्स्ट मैग्नेट पी पॉइंट इज लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, पी पॉइंट कहाँ देखो ड्यू टू वन एक्सियल लाइन पर है कि नहीं है, ड्यू टू वन एक्सियल लाइन पर है, तो एक्सियल लाइन पर है तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ बी एक्सियल बराबर ना, एक्सियल लाइन के लिए दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एम बार बी बार सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये पी पॉइंट सेकंड मैग्नेट के लिए कहां है बेटा, कहां इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये एम बार की डायरेक्शन, एम बार की डायरेक्शन, अब मुझे बताओ बी बार किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, हाँ ये एम बार है तो बी बार क्या होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, इट इज नथिंग बट बी इक्वेटोरियल है कि नहीं। अब दोनों कैसे देखो 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं यार, हाँ बोथ आर एट व्हाट यार 90 डिग्री एंगल विद बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए डायगोनल, तो रिजल्टेंट क्या होना बेटा इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए रिजल्टेंट, ये बी एक्सियल है, ये बी एक्सियल है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट बी, तो कम ऑन बी इक्वल टू अभी पढ़ाया था मैंने, कम ऑन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर बराबर, बट बी ए इक्वल टू ट्वाइस बी ई, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाँ सब्स्टिट्यूट कर दो फोर बी ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैन आई राइट बी इक्वल टू रूट फाइव बी, वही कॉन्सेप्ट है
राइट, बट बी नथिंग बट इक्वेटोरियल पता है आपको, बी इक्वल टू बता दो क्या है बेटा इक्वेटोरियल लाइन पर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यूब, यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है, अरे मिड पॉइंट ये ट्वाइस डी है तो फिर ये डी होना चाहिए, ये टोटल ट्वाइस डी है तो यहां से यहां तक मिड पॉइंट से क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ, देर फोर क्या रिक्वायरमेंट आंसर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई रूट फाइव एम अपॉन वाट एट डी क्यूब, ये भी चांस है, थोड़ा चेंज करके दिया वही देर, दोनों का आंसर सेम है, सेम है आर क्यूब है या डी क्यूब है, बट वो क्वेश्चन वो फॉर्म में दिया, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे रहा हूँ बस, ओके क्लियर, राइट राइट डाउन।